बहू जरा हंस बोल ले। शहरों में दो कमरे का मकान ही एक सामान्य फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। आम सी नौकरी करने वाला रवि किराए से रहा करता था, लेकिन उसकी चालाक बीवी सीमा। आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते हो, गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर में घर ले ले। अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ बड़ा खुला इलाका, यहाँ छोटा सा दो कमरे का मकान, वो भी ना जमीन में ना आसमान में। पता है माँ पापा को टहलने का भी शौक है, इस शहर की धूल मिट्टी में कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं, सीमा एक बार को चुप हो जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो रवि के पिता से किसी भी तरह पैसे लेकर रहेगी। शाम को जब रवि आता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। अरे क्या हो गया इन दोनों को, रो क्यों रहे? दोनों अंदर जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। अब बताओ क्या हुआ, क्यों मारा है बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी, पागल नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, सोसाइटी में नया रूल आया है, अब झूले और दूसरे पार्क और मैदान में सिर्फ उन लोगों के बच्चे ही खेल सकते हैं जिनके अपने मकान हैं। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, समझे? उफ, ये क्या, अब क्या करे रवि, छोटी सी सैलरी में घर कैसे खरीदे। बच्चों की ओर देखता है तो सोचता है कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को। लग रहा है पापा माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन फिर वो लोग यहाँ आकर रहेंगे तो मैनेज कर लोगी? अरे मैनेज क्या करना है, क्यों नहीं, बिल्कुल, मेरे भी तो वो माता पिता लगते हैं, मैं तो उनका सम्मान तब भी करूंगी जब वो पैसे नहीं भी देंगे। अरे बंद करो ये डायलॉग, कैसे तुम्हारे व्यवहार के कारण उन लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है, और उन लोगों से अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर रहे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। अरे किसी को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा। रवि सीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि वो पापा से बात करेगा। रवि पिता से सारी बात करता है, उन लोगों को बच्चों का हवाला देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का व्यवहार हम लोगों को वहाँ रहने नहीं देगा, यहाँ तो आस पड़ोस है, माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है, हम तो यहीं खुश है बेटा। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों की सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए ना, सभी के दादा दादी बच्चों के पास रहते हैं, मेरे बच्चों को भी तो दादा दादी का प्यार मिले। सर पर पल्ला रखकर सीमा की बात सुनकर वो बेचारे पिघल जाते हैं। अब क्या, घर बार सब बेच कर वो शहर आ जाते हैं। हम लोगों को कितना छोटा कमरा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कमरा बड़ा होकर क्या करोगी, यहाँ बहू बच्चों के साथ हो ये क्या कम है, वैसे भी पूरा घर है, जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन जिन सपनों को आंखों में सजाए वो बेटे के घर आए थे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, कुछ ही दिनों में। भूख लग गई, रात के खाने के लिए बहू ने बुलाया भी नहीं। अरे जाकर बाहर देख लो, हो सकता है बहू को किचन में कोई काम हो, मदद कर दो उसके। सास कमरे से बाहर आती है तो सामने खाना रखा होता है और बेटा बहू का कमरा बंद। ये खाना किसका लगा है, लगता है बहू रख कर भूल गई होगी। सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से बंद होता है। हाँ माँ जी, क्या हो गया, क्यों रात के वक्त में मेरे कमरे का दरवाजा पटक रही है? बहू वो रात का खाना सब साथ खाते हैं, लेकिन आज ना ही तूने हम लोगों को बाहर बुलाया, ना ही खुद खाया, और ये दो थाली में खाना किसका लगा रखा है? आपका और पिताजी का, और किसका, हम लोग तो खाकर सो भी रहे हैं, आप लोगों का खाना लगा दिया था। अरे लेकिन खाना लगाकर बता भी तो देती। क्यों माँ जी, देख लिया ना, खा लीजिए अब। सास को लगता है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, बहू वैसे ही हमें खाना दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, कहती भी तो क्या कहती। क्या हो गया, क्या सोच रही हो, खाना गरम कर कर खा लेते हैं। तो सास को खाना होता तो बार बार बहू का मुंह देखती। फिर एक दिन ससुर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि ये क्या है पापा जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, जब आप लोग साथ हैं तो लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है कि सास ससुर बैठे रहते हैं सारा दिन। बहू मेरी भी कुछ सहेलियां बनवा दे, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर पर तो कोई हम लोगों से बात भी नहीं करता है,
बहू तुम सारा दिन आस पड़ोस में हंसी मजाक कर लेती हो, कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं आप लोगों से? हाँ अरे ना हो तो गांव चले जाइए ना कुछ दिनों के लिए, मन लग जाएगा। वाह बहू, जब पैसे और घर चाहिए था तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे। हाँ तो अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो। बहू के डर से अब सास ससुर कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद सास ससुर को खाना भी बाहर रखा मिलता, ना कोई बात करने वाला ना कोई कुछ बोलने वाला। एक बार बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। लग रहा है कोई आया है, हंसे बोले कितना वक्त हो गया है, काश हम बाहर जाकर हंस बोल लेते। ओ, सही बोल रही हो, चलो बाहर जाकर देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। सास ससुर बाहर आते हैं तो सामने उनकी बेटी और बहू जैसा ही एक कपल बैठा होता है। सभी खा पी रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं। कपल में से लड़की उठकर दोनों के पैर छूती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। माँ पापा, आप दोनों कमरे से बाहर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, कमरे में बंद घुटन हो रही थी, बाहर से हंसने बोलने की आवाज आई तो सोचा देखो क्या हो रहा है। अरे हाँ हाँ, और आप लोग क्यों बोर हो रहे थे? सीमा भाभी तो इतनी हंसमुख है, जब से हम आए हैं वही बोली जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा किया है। हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आप बहुत खुश नसीब है कि आपको घर में ही कॉमेडियन मिला है। माता पिता बहू और बेटी की ओर देखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ पापा रुको ना, बैठो, अंदर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो ना, मैं कमरे में ही चाय दे दूंगी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना। तो फिर और कुछ चाहिए क्या आंटी? बहू सास ससुर के बर्ताव से चिढ़ रही होती है, लेकिन मेहमानों के सामने बोलती भी क्या। हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, क्या चाहिए? बोलिए। बहू जरा हम लोगों के साथ भी हंस बोल लिया करो, कमरे में लाश की तरह पड़े रहते हैं। जमाने के लिए तो तू बहुत अच्छी है, फिर हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों? ये बोलकर सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। भाभी वैसे ये ठीक नहीं है, जो माता पिता को घर में लाश की तरह रखे और बाहर वालों के सामने अच्छा बने। खैर आप लोगों के घर का मामला है, चलते हैं हम। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेटा और बहू समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है।